हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं मोनिका विके तांडी आपका वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल मोना क्रोशेट में। और हम इसमें सीखते हैं बहुत ही इजी वे में क्रोशिया करना। क्रोशिया की टिप्स हम शेयर करते हैं बीच बीच में। तो इस बार भी मैं राखी बनाना आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही क्यूट राखी है, हार्ट शेप राखी है, कोई भी बना सकता है। घर में छोटे छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं आप। और मेरी बहुत सारी राखी मैंने इस बार बनाई है और आप लोगों ने बहुत ही उसको लाइक किया है, शेयर किया है और प्यार दिया है उस राखी को। तो मुझे मेरे वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, तो उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। और प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कीजिए। जब भी आप कुछ क्रिएटिव करते हैं राखी या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं क्रोशिया से रिलेटेड, तो प्लीज़ 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 मेरे साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम नहीं है तो फेसबुक का अकाउंट बहुत लोगों के पास होता है, तो आप उससे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं हमेशा अपने जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, उसमें मैं हमेशा देती हूँ। तो प्लीज़ आप जाके देखिए, विजिट कीजिए, जुड़िए मेरे साथ और अपने आइटम को सेल भी कीजिए और लोगों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। चलिए, जो राखी मैं बनाने वाली हूँ उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा। बहुत ही मिनिमम मटेरियल मैंने रखा है, बहुत ही कम रखा है, जिससे कि आपके घर में इजीली अवेलेबल आपके पास हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छी लगती है मेरे वीडियोस, राखी के वीडियोस, जितने भी क्रोशिया के DIY और जो भी प्रोजेक्ट मैं बनाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। और शेयर तो करते ही हैं आप, मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता ही है। और लाइक करना ना भूलिए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऊन लगेगी, घर में जो भी है आप ले आइए। और उसके बाद 2 mm का हुक लगेगा और साथ ही फिनिशिंग के लिए, बीड्स के लिए हमने 2 हुक रखे हैं, 0.4 और 8 नंबर का हुक, जो अगर आपके पास नहीं है तो आप नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं फिनिशिंग के लिए यूज़ करती हूँ, पिछले वीडियो में ज़रूर देखा होगा तो आपको याद होगा। तो सीज़र के साथ साथ हमें बीड्स लगेंगी। आप चाहें तो मोटे जो मोती होते हैं वो भी आप बड़े वाले ले सकते हैं। ये रिंग है और इसके बाद ग्लू लगेगा, जो भी आपके पास है आप ले आइए। फेवी बॉन्ड बहुत अच्छा है और फेविक्रिल भी मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैजिक रिंग जिसे नहीं बनाना आता वो प्लीज़ जाके मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें। 1 chain हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और उसमें एक 1 chain बनाएंगे और उसके बाद 2 chain और बनाएंगे, तो टोटल हमारी 3 chain हो गई हैं। ये 3 chain के साथ हम क्या करेंगे, ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिन्हें नहीं आता है वो प्लीज़ 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 फॉर बिगनर्स के नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर विज़िट कीजिए, उसमें ये सारे वीडियोस हैं। तो चलिए 2 और हम बना लेते हैं। ट्रिपल डबल क्रोशिया हम 2 और बनाएंगे, टोटल हमारी 3 हो जाएंगी ऐसे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें डबल क्रोशिया बनानी है तो उसे हम 3 बार बनाएंगे। तो हमारा पहला डबल क्रोशिया बनेगा यहाँ पे, इसके बाद हम 2 और बनाएंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे ऐसे और सेम हम रिपीट करेंगे ट्रिपल डबल क्रोशिया को। ये हार्ट का कॉर्नर हो जाएगा हमारा और देन फिर हम चेन को एक और बनाएंगे, एक चेन, और इसके बाद सेम जो हमने राइट साइड में रिपीट किया है सेम हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें डबल क्रोशिया आना ज़रूरी है और ट्रिपल डबल क्रोशिया आना ज़रूरी है। ये दोनों वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लीज़ आप विज़िट कीजिए, देखिए, समझिए, देन उसके बाद आप ये बना सकते हैं इजीली। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया 3 बार। उसके बाद हम ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार जैसे हमने पहले बनाया था। ये हमारा हार्ट का ऊपरी शेप बन जाएगा, जैसे हार्ट होता है वैसे ही बनेगा।
सबसे आखिरी वाली जब हमारी स्टिच आती है तो हमें ये धागे को खींच लेना है, और उसके बाद तीन चेन बना के हमें धागे को खींचने के बाद स्लिप स्टिच कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जो मैजिक सर्कल का पीछे वाला जो थ्रेड है, जो हम अभी एक बार और हमने इसको खींचा था, उसको हम ज़ोर से थोड़ा सा खींचेंगे जिससे कि हमारा पूरा शेप आ जाए हार्ट का। ये देखिए वो जो रनिंग धागा उसे भी हमें खींचना है, और जो पीछे से हमारा जो टेल बोलते हैं जिसे, वो भी हमें खींचना है, तो हमारा ये हार्ट शेप आ जाएगा। और जो हमारा रनिंग धागा है उसे हम कट कर देंगे थोड़ा ऊपर खींच के। ये देखिए पूरा हार्ट शेप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फिनिशिंग करेंगे, और ये जो धागा हमारा पहले दिख रहा है आपको ऊपर में, उसको हम जो हमारा क्रोशिया स्टील का 8 नंबर का, हम उससे खींच लेंगे। आप चाहे तो जो आपके पास हुक है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, निडल का यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसे करके। और आपको ऐसे फिनिशिंग के लिए किसी भी बैक साइड की स्टिच में आपको धागे को हाइड करना है, छुपाना है, जिससे कि बहुत सुंदर लगे। आप चाहे तो इसमें कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कागज़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या कागज़ थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको राखी बनाना सिखाया है, उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो जाके आप ज़रूर विज़िट कीजिए, मेरी जितनी भी राखियाँ हैं बहुत सुंदर सुंदर राखी हैं, सेल भी कर सकते हैं आप, आराम से सेल कर सकते हैं। सो ये हमने ग्लू लगा लिया है, और उसके बाद आप ये कट कर देंगे, सुखा लेंगे इस राखी को, हार्ट को आपको सुखाना है, उसके बाद ही कोई काम कीजिएगा। और ये हम अब जो हम बंधन हमारे हाथ में बांधते हैं हम भाई के, तो हम उसको डोरी को रेडी कर लेंगे। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, दो फोल्ड करके धागे को कट कर लेना है आपके हाथ के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। और उसके बाद आपको ऐसे इसके अंदर या तो आप बड़े मोती को भी पिरो सकते हैं या छोटे मोती को भी डाल सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया है, ये जो आरी वर्क में यूज़ होता है, ये जो क्रोशिया होता है उसे को ही मैंने यूज़ किया है मोती डालने में। इससे आइडिया लगता है, आप चाहें तो अगर आपके पास पतली नीडल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इतनी छोटी नहीं है नीडल जिससे कि मैं मोती डाल सकूं, तो हमेशा मैं हर वीडियो में मैं ऐसे ही उसको यूज़ करती हूं। आपने देखा होगा मेरे पिछली वीडियोस को भी देखा होगा, प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां मैंने बनाई हैं, आप भी बनाइए और सेल भी कर सकते हैं, और आप घर पर अपने भाई को पहना भी सकते हैं, बच्चों के लिए आप उनको बनाइए, अगर जिनके बेटा बेटी हैं आप उनके लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको रेडी किया है, बहुत ही छोटी और बहुत ही क्यूट लगती है ये राखी, बहुत ही छोटी राखी है। सो ये हो गया है, और इसमें हम कुंदन लगा लेंगे। तो ऐसी मैंने राखियाँ रेडी की हैं सेम, तो बची हुई उनसे ही आप ऐसी सुंदर राखियाँ बनाई हैं। बीच में कुंदन लगा लीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप मोती भी लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लेकर आएंगे, आप चाहे तो इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर देखेंगे। टिल देन बाय बाय।